So a standard preemptory order may be passed that in case we are not going to be. 31. हाँ, PF we are not going to file within a 10 days then. Okay. 31 में आप भी हैं? सर, नहीं, वैसे notices अभी issue नहीं हुए, might be in advance if he is going to be appear before the court then it's all right. अच्छा. Your Honor. आप इसमें appear होना चाहते हैं? हाँ, I am Ravi Chaturvedi, respondent number one. Respondent number one. Number one. Sir, Your Honor. आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, आराम से बोलिए. English में थोड़ा suitable है का. The plaintiff. अच्छा, जिसमें आप को सहूलियत है उसमें बोलिए. The plaintiff and the and his team of lawyers, they are expert in managing and manipulating the system. Your case is, please convey me the case, merits of the case. हाँ, yes, I am telling the case. You have issued one stay order on September. You are appearing in this September case. 2019. Okay, okay. Just they have not complied even a single terms of condition of the order. There are some questions. You have to reply that questions. Do. आप आज appear होना चाहते हैं? हाँ, yes, I am appearing. अच्छा, आप बराबर सर. सर. Appear हो रहे हैं? पहले और हैं और पक्षकार? सर, दो हैं सर, I think that. Yes. First, it must be decided whether. Just a minute, आप चतुर्वेदी साहब इतना हड़बड़ाएंगे तो. चतुर्वेदी साहब, आप बहुत बुजुर्ग हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, पर थोड़ा वेट तो करिए, समझने दीजिए. ठीक है सर, ठीक है ना. आप लिख के ले आए हैं और उसको पढ़ देंगे? नहीं, लिख के नहीं लाया मैं. आई हैव नॉट टेकन एनीथिंग रिटन स्क्रिप्ट. आपने जिंदगी भर से इस मुकदमे को लड़ा होगा, हमको तो आज पहली बार देखने मिला है, तो समझने तो दीजिए है क्या. ठीक है, ठीक, देखिए, है ना, समझ लीजिए. क्या करते थे आप पहले नौकरी? मैं बैंक में था. बैंक में किस पोस्ट पे थे? मैं चीफ मैनेजर था. हाँ, चीफ मैनेजर. चीफ मैनेजर थे. क्या प्रॉब्लम क्या है इस केस में? प्रॉब्लम ये है सर कि वकील साहब लोगों पे आरोप नहीं लगाएंगे. दे वांट टू डिरेल एंड डिले द. हाँ, इट इज द टैक्टिक्स, नॉर्मल टैक्टिक्स गोइंग ऑन इन लोअर कोर्ट. इन लोअर कोर्ट इट इज द नॉर्मल टैक्टिक्स ऑफ द कोर्ट. यस. व्हाट इज द इशू इन दिस पिटीशन? इशू इज दिस कि दे हैव नॉट गिवन मी एंड आई हैव नॉट नो इन्फॉर्मेशन, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन टिल टुडे. यू हैव नॉट सर्वड येट. यस, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन टिल टुडे दैट डिस्पाइट यू आर अपीयरिंग बिफोर दिस कोर्ट. वेदर यू वांट टू अपीयर बिफोर दिस कोर्ट? यस. सो मोटो. यस, यस. एनी रिप्लाई यू वांट टू फाइल एनी रिप्लाई? आई डोंट नो व्हाट्स द मैटर, हाउ आई कैन. देयरफॉर आई एम आस्किंग वेदर यू वांट कॉपीज टू बी सप्लाइड. यस, अनलेस दे सर्व द नोटिस टू मी. Unless they give information to me, how I can reply? They have not given me any. चतुर्वेदी जी, आप तो खुद ही आ गए हैं ना. नोटिस तो आपको सर्व ही नहीं हो पाया है. 17 सितंबर 2019 का नहीं सर्व हुआ अभी तक. एंड दे आर एंजॉइंग द फ्रूट ऑफ द स्टे ऑर्डर विदाउट गिविंग एनी इन्फॉर्मेशन टू मी. चतुर्वेदी जी, ऐसे वकालत नहीं की जाती कोर्ट में. नहीं सर, नहीं की जाती. और आप उतावलेपन से काम करेंगे तो मैं नहीं सुनूंगा. जब उन्होंने 17 सितंबर की कंडीशन, आप चढ़ाई करने की कोशिश मत करिए कोर्ट के ऊपर. सर, ये बताइए सर, 17 सितंबर जो मैं बोल रहा हूँ उसका जवाब दीजिए. हाँ, बहुत बुजुर्ग हैं, लिहाज कर रहा हूँ. इसका मतलब ये नहीं कि सिर पे चढ़ जाएंगे. नहीं नहीं, कहाँ सर, मैं आपके लिए. आप आराम से शांति से जवाब दीजिए. मैं ये पूछ रहा हूँ, आज आपको नोटिस नहीं मिला, कॉपीज नहीं मिली, फिर भी आप अपीयर होना चाहते हैं क्या? यस, अपीयर होना. अच्छा, कॉपीज आपको दिलाई जाए? हाँ, दिलाइए ना. अगर ऐसा एट द सेम टाइम. चतुर्वेदी जी, सर, चतुर्वेदी जी, शांत हो जाइए. हाँ सर, दिलाइए ना, मैं आपका नौकर नहीं हूँ. ठीक है, नहीं नहीं, आई एम नॉट टेलिंग यू सर. ऐसा है, शब्दों का चयन उचित होना चाहिए. हाई कोर्ट है, अदरवाइज कुछ रिलीफ नहीं मिलेगा और एक्शन ले लूंगा मैं. सर, मेरे से आपसे सर ये रिक्वेस्ट है. हाँ, तो रिक्वेस्ट फॉर्म में होना चाहिए. रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ सर मैं. ये आप चीफ मैनेजर रहे होंगे और हो सकते हैं अभी भी. नहीं, मैं सिर्फ ये लैंग्वेज कंट्रोल्ड होना चाहिए, ये कोर्ट है. मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ सर. रिक्वेस्ट फॉर्म में होना कम, चाहिए. कम से कम सर ये स्टे ऑर्डर तो वैकेट हो जाए, क्योंकि मेरे पास. भाई आप नियम से आइए ना, फिर वैकेट करेंगे. हाँ, नियम से मैं तो. आप हल्ला करेंगे थोड़ा, वैकेट हो जाएगा. हल्ला थोड़ी कर रहा हूँ. आप हल्ला ही कर रहे हैं. ठीक है, आया ना समझ में. कोर्ट में आके हल्ला करके कोई रिलीफ कोई भी नहीं ले सकता है. आवाज़ हमारी सबसे बुलंद रहेगी और हमेशा रहेगी. ठीक है, आगे समझ में. ठीक, कहीं कहीं प्रभावित करते रहे हों तो उसको भूल जाइए. नहीं, ठीक है, इस कोर्ट में किसी का प्रभाव नहीं चलता. नहीं, वो सही है सर, प्रभाव नहीं चलता. तो आप थोड़ा सा पढ़ाई करिए, लॉ आता नहीं आपको. नहीं, लड़ने नहीं आ गए हैं कोर्ट में खड़े होकर. वकील साहब नहीं लगाना चाहते? नहीं, वकील साहब नहीं लगाना चाहते. हाँ, आपकी आवाज़ धीमी भी आती है, महसूस हो रहा है हमको. ठीक है, तो कभी भी किसी कोर्ट में जाएंगे तो आप रिक्वेस्टिंग मैनर में आएंगे, तब आपको रिलीफ मिलेगा. ये केस आज हमारे पास लगा, कल और कहीं चला जाएगा. ठीक है, पर ये जो आपका एटीट्यूड है ये आपको कभी रिलीफ नहीं ग्रांट कराएगा. ठीक है ना,
ये आपका कोई नहीं सर, मैं तो सर रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ सर, मैं कोई रिक्वेस्ट। चतुर्वेदी जी, हाँ सर, कितनी एज है आपकी? 69। 69 है, हम आपसे थोड़े ही कम हैं। हाँ, हमने इस कुर्सी पे बैठ के ऐसे बात नहीं की जैसी आप कुर्सी के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, आया समझ में? नहीं, इफ आई हैव डन एनी डिसिंग। भाई आप 69 ईयर्स एज के हैं, आपको आपकी गलती महसूस नहीं हो रही है? आप बोल रहे हैं अगर मैंने कोई गलती की हो तो कुछ तो सीखिए, फिर आपके बच्चों ने क्या सीखा होगा? इसी तरह आपके बच्चे बात करते होंगे। गलती तो बता दीजिए सर, क्या गलती मैंने की सर? गलती बताऊं? हाँ सर बताइए। अच्छा, लिस दिस केस बिफोर अनदर बेंच एज द बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ दिस पिटिशनर रेस्पोंडेंट नंबर वन इज नॉट अप्रोप्रिएट एंड इन अकॉर्डेंस विद द, लिख दूँ सब? आपका सर, केस कहीं से आपके फेवर में नहीं होगा सर। मैं मुझे सर होशियार मत बनिए चतुर्वेदी जी, जितनी होशियारी बेईमानी बदमाशी आपने नौकरी में की होगी ना, वहाँ चल जाती, कोर्ट में नहीं चलती है। आगे समझ में? होशियार मत बनिए। नहीं सर, मैंने आपसे निवेदन किया इसलिए था कि आप इंग्लिश बोल के इन्फ्लुएंस करना चाह रहे थे। नहीं सर, मैं कोई है ना, आप हिंदी भाषी हैं, हिंदी बोलना हाँ। आपको ज़्यादा अच्छा आता है, इंग्लिश आपकी बहुत रद्दी है। ठीक है, है ना, प्रयास वो करिए जिससे कम्युनिकेट कर सकें प्रॉपरली। अच्छा सर, इसमें तो आज आप अपीयर होना चाहते हैं अपनी इच्छा से, आपको कॉपीज दिलाई जाएं? ठीक सर। ठीक है, यस। लैंड रेस्पोंडेंट नंबर फोर, नाम क्या आपका? क्या नाम आपका? रवि चतुर्वेदी। रवि चतुर्वेदी, यस। रवि कांत नहीं लिखते हैं? नहीं, कांत नहीं लिखते हैं, वो तो इन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा, कांत अपनी तरफ जोड़ दिया। रवि चतुर्वेदी रेस्पोंडेंट नंबर वन अपीयर्स बिफोर दिस कोर्ट सुमोटो एंड हैज सबमिटेड एंड प्रेड फॉर सप्लाई ऑफ कॉपीज ऑफ पिटीशन। Let copies be supplied. List after 1 week. Reply के लिए time दे रहे हैं आपको। ठीक सर, ठीक है। Six time for submission of reply. Within 2 days I am going to provide photocopy करा दे। सर सर, एक request और है सर, ये letter covering letter में मिला है सर आपके साथ में, इसमें सर जो case number वगैरह लिखे हैं सब wrong है सर। अरे चतुर्वेदी जी, ये हमारा काम नहीं है, ऑफिस का काम नहीं, है। नहीं नहीं, ऑफिस वालों की कहते हैं ना, तो भाई आप वहाँ जाके हल्ला करिए, हमारे सामने मत टाइम वेस्ट करिए। नहीं, आई एम जस्ट ब्रिंग इट टू योर नोटिस सर। भाई हमारे नोटिस का क्या है, ऑफिस का काम हम थोड़ा ना करेंगे। ये क्रमांक गड़बड़ है, ये है, तो आप क्यों अपीयर हो रहे हैं? अगर आपको डाउट है तो मत अपीयर होइए। नहीं अपीयर होंगे तो सर वहाँ वो चलता रहेगा। आप ही को सुनते रहेंगे क्या? नहीं सर, जब आपके सामने बैंक में और लोग जाते रहे होंगे तब भी आप यही व्यवहार करते रहे होंगे उनसे। आपको उतना विनम्र होना चाहिए जितनी पद ऊंचाई वाले में आप बैठते हैं, है ना? और 69 साल में तो आदमी बहुत मैच्योर होता है। आप 19 साल के होते और ऐसी बात करते तो हम सब आपका माफ कर देते। 69 साल के व्यक्ति को यह एटीट्यूड शोभा नहीं देता है। आया समझ में? चिल्ला के, लड़ के, हल्ला करके कोई न्याय नहीं मिल जाएगा। चिल्ला नहीं रहा सर मैं ना, आपको गलती समझ में नहीं आती है, होशियार बनते हैं। आपको ऐसा लगा हुआ सर? ऐसा लगा नहीं है, नहीं आपने किया है मेरे सामने। लगा है क्या मैं बेवकूफ हूँ? इतने सारे वकील साहब बैठे, इनसे नहीं लगता आपसे ही भर लगेगा क्या? आप तो पहली बार दिख रहे हैं मेरे कोर्ट में। सीख जाइए चतुर्वेदी जी, आइंदा दोबारा हमारे कोर्ट में इस तरह से नहीं पेश आएंगे। और अगर आप कुछ भी गलत किया तो मैं एक्शन लूंगा, कंटेम्प्ट नोटिस लूंगा, यहीं से कार्रवाई करूंगा। ठीक, आगे समझ में? ठीक, होश में रहना चाहिए, हैसियत में रहना चाहिए और हर किसी की इज्जत करना सीखिए। क्या करते हैं आपके बच्चे? बच्चे क्या करते? बॉम्बे में रहते हैं। बॉम्बे में रहते हैं, आपको अपने साथ नहीं रखते? नहीं, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, यहाँ मेरे। मैंने क्या पूछा आपसे? सर नहीं, आपके बच्चे आपको अपने साथ नहीं रखते? नहीं, मैं अलग यहाँ रहता हूँ। आप अलग इसलिए रहते हैं क्योंकि आपका स्वभाव इतना दुष्ट है? नहीं, क्योंकि आपको कौन बच्चे अपने साथ रखेंगे? क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी यहाँ पे है सर। कितनी प्रॉपर्टी है आपकी? ये थोड़ा सा मकान है, छोटा। थोड़ा सा मकान छोड़िए, 20 साल से कब्जा कर रखा है। अच्छा किया है, अच्छा किया है। आपको एक मौका दिया इनने कि अपने बच्चों के साथ प्रेम से रहिए, वो भी आप नहीं करते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे। 4 बच्चे किसी के साथ तो रहते होंगे साल में? 3 बच्चे मेरे पास हैं। तीनों बच्चे आपके साथ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? दानावली में। यहीं ग्वालियर में रहते हैं? ग्वालियर नहीं, लश्कर में। तो एक ही का नाम क्यों लिया बॉम्बे वाले का? नहीं, बड़ा बच्चा बॉम्बे में, तीन यहाँ पे। तीन यहाँ रहते हैं। तीनों क्या करते हैं? नहीं, पढ़ रहे हैं। दो बच्चियाँ पढ़ रही हैं, एक बच्चा प्राइवेट जॉब करता है। अच्छा, प्राइवेट जॉब करता है। अच्छा, चलिए। तो आपने उनको रखा है कि उनने आपको रखा है?
नहीं, मेरे साथ ही हैं, मैं आप ही के साथ रहते हैं। जब मेरी जिम्मेवारी है, जब तक वो बड़े नहीं हो जाएंगे, उनको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा नहीं, जब तक मैं। तो बहुत बहुत छोटी छोटी उम्र के हैं क्या अभी? हाँ, उम्र छोटे भी हैं, 16-17 साल वाले। हाँ, ऐसे ही ऐसे ही है। सबसे छोटा बच्चा कितने साल का है? सबसे छोटा बच्चा है। ये जितनी बातें कर रहे हैं सब रिकॉर्ड हो रही हैं यहाँ पर। हाँ, नहीं, कोई बात ठीक है ना। हाँ, ये आगे चल के वकील साहब आपके खिलाफ यूज करेंगे कि कोर्ट के सामने आपने क्या क्या सच बोला और क्या क्या झूठ बोला। बिल्कुल यूज करें, क्या दिक्कत है। सबसे छोटे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ भर बता दीजिए, फिर आगे कुछ नहीं पूछूंगा। सबसे छोटे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 9 अप्रैल 1999। अच्छा ठीक है। आज की डेट में कितने साल का हो गया? आज की डेट में हो गया वो 23 साल का हो गया। अभी कुछ नहीं कर रहा है? नहीं करता, प्राइवेट जॉब करता है ना। प्राइवेट जॉब करता है। और बेटियां क्या करती हैं? बेटियां पढ़ रही हैं। वो और छोटी हैं? वो और छोटी हैं। अच्छा, जब इतनी सारी जिम्मेदारी है तो आपको तो और संयमित होना चाहिए। क्या करें सर, मैं बताऊं सर, मेरे परेशानियों से आदमी कोई सोर्स ऑफ लड़के नहीं जीत सकता है। नहीं सर, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है भाई। तो ये गलती आपकी है जिसका सर किराया, हमारा कोई ठेका नहीं है। नहीं, जिसका किराया सर 10-15 हज़ार रुपये आ सकता है। अच्छा चलिए, ज़्यादा हल्ला नहीं सुनना चाहता हूँ। हाँ सर, ठीक है, ठीक है ना। जिस तरह से अब लास्ट में आप पेश आ रहे हैं, ये तरीका होता है कोर्ट में बात करने का। हमारे कोर्ट में कोई वकील साहब भी इस तरह से बात नहीं करते जिस तरह से आज आपने स्टार्ट किया था। आगे समझ में, गलती समझ में ना आई हो तो सब वकील साहब से पूछ लीजिएगा कि आप गलत थे कि मैं गलत था, ठीक है? नहीं, गलत सर, आप क्यों गलत होंगे सर? गलत तो मेरी गलती होगी, मैं थोड़ी गलती होगी चतुर्वेदी जी, मेरी गलती है, मैं ये कहता हूँ। इतनी देर में क्यों समझ में आया आपको? नहीं, क्या दिमाग पे कहीं कुछ ऐसा आवरण बैठा रखा है? नहीं सर, समझ में इसलिए देर से आया सर कि 2019 देर से आया। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब आपकी बुद्धि कुंद है। मालूम नहीं किसने आपको चीफ मैनेजर बना दिया था। सर मैं कह रहा हूँ सेप्टेम्बर। चलिए ठीक है, आपको रिप्लाई के लिए टाइम दे रहे हैं। आप अगले कोर्ट में जहाँ पर भी केस लगे तो चढ़ने की, हल्ला करने की कोशिश मत करिएगा। कानून पढ़ के आइएगा और तर्क करिएगा। रीजनेबल तर्क होंगे तो रिलीफ सर। स्टे तो वैकेट कर दीजिए। स्टे कहाँ से वैकेट हो जाएगा? अभी आप जवाब दीजिए फिर विचार करेंगे। तो जवाब जब तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगी मैं क्या जवाब दूंगा सर? हाँ, तो इसलिए तो कॉपी दिला रहे हैं आपको, कॉपी देंगे उसके बाद आप रिप्लाई दीजिए। सितंबर 19 से सर अभी तक आपको वो जबरदस्ती बात करने की बहुत आदत है क्या? नहीं सर, आदत नहीं। हाँ, तो जितना समझा रहे हैं समझ लीजिए। छोटे छोटे बच्चे यहाँ वकील साहब आते हैं वो एक लाइन में समझ जाते हैं। आप 69 साल कैसे जिंदगी के निकाल दिए? कुछ सीख लिया होता तो अच्छा लगता। हाँ, तो कॉपी मिला तो सही ना। चलिए नेक्स्ट, ठीक है।